और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने मंदिर परिसर में श्रमदान किया है। डिप्टी सीएम ने साफ सफाई कर कूड़ा उठाया है। हजरतगंज स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, जहां उन्होंने श्रमदान किया। और लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम बृजेश पाठक। दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में डिप्टी सीएम ने दर्शन किए, पूजा अर्चना की, उसके बाद श्रमदान किया। बृजेश पाठक ने भगवान हनुमान मंदिर में बजरंग बली के दर्शन किए हैं, उनका आशीर्वाद लिया है। और ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से डिप्टी सीएम ने मंदिर परिसर में श्रमदान किया, कूड़ा उठाया और स्वच्छता का एक संदेश दिया है, और झाड़ू लगाते हुए भी नजर आए हैं डिप्टी सीएम बृजेश पाठक। हजरतगंज स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने श्रमदान किया। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम बृजेश पाठक। दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में डिप्टी सीएम ने दर्शन किए, पूजन अर्चन किया, इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर में श्रमदान किया, कूड़ा उठाया, झाड़ू लगाई, स्वच्छता का संदेश दिया। बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने सफाई कर कूड़ा उठाया। हजरतगंज स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम बृजेश पाठक। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम बृजेश पाठक। और हजरतगंज स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर पहुंचे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक। दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में डिप्टी सीएम ने दर्शन किए हैं, पूजन अर्चन किए, और बृजेश पाठक ने हनुमान मंदिर में बजरंग बली के दर्शन किए हैं। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने मंदिर परिसर में श्रमदान किया है, झाड़ू लगाकर कूड़ा उठाया उन्होंने, और साफ सफाई की है, स्वच्छता का संदेश दिया है।